मथुरा का स्वास्थ्य विभाग मंडल आयुक्त अमित गुप्ता की समीक्षा में उम्मीदों के अनुसार नहीं पाया गया है। पुरुष एवं महिला नसबंदी में मथुरा की प्रगति बेहद खराब स्थिति में पाई गई है। मंडल आयुक्त द्वारा ली गई बैठक में पुरुष एवं महिला नसबंदी के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि तक भी अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में मंडल आयुक्त अमित गुप्ता ने सीएमओ को सख्ती के साथ कहा है कि पुरुष एवं महिला नसबंदी की स्थिति को मथुरा में सुधारा जाए। पुरुष एवं महिला नसबंदी जागरूकता अभियान में भी मथुरा की स्थिति खराब मिली है। मंडल आयुक्त ने सीडीओ को भी इस मामले में जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में प्राप्त किया जा रहा है ताकि पुरुष एवं महिला नसबंदी की स्थिति में सुधार हो। दरअसल मंडल आयुक्त द्वारा ली गई बैठक में मथुरा में पुरुष व महिला नसबंदी अभियान में भी कमी पाई गई है। भले ही सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत आला अधिकारियों की नजर से बाहर नहीं है। इस समय आगरा मंडल में मथुरा नंबर 3 पे है 4 जनपदों में। तो सीएमओ ने अवगत कराया है कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू एक मेल सर्जन जो NSV यानी पुरुष नसबंदी करेंगे और एक महिला गायनिकोलॉजिस्ट जो मिनी लैब करेंगी उन्हें रिक्रूट किया गया। जैसे ही वो अपना काम करना शुरू करेंगे तो दिसंबर की प्रगति में सुधार आएगा। हाँ, ये इसमें MOICs का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रचार प्रसार के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की IEC एक्टिविटीज़ हैं जो NHM के अंडर चलती रहती हैं। इसके अलावा आपके माध्यम से भी ये प्रसारित किया जा सकता है कि जो भी महिला और पुरुष नसबंदी के इच्छुक हैं वो अपने निकटतम MOIC से संपर्क करें, उन्हें डेफिनेटली उसमें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मंडलायुक्त आगरा अमित गुप्ता की बैठक में मथुरा पुरुष और महिला नसबंदी की प्रगति में फिसड्डी पाया गया है, यानी कि जो प्रोग्रेस मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। मंडलायुक्त द्वारा ली गई सीएमओ की बैठक में कहा गया है कि महिला और पुरुष नसबंदी के मामले में मथुरा की जो कार्य रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। इवन जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी मीन्स जो नसबंदी करा चुके हैं, उन्हें जो प्रोत्साहित राशि मिलती है वो भी नहीं मिल रही है, मोटिवेटर्स को भी नहीं मिल रही है। ऐसे में मंडलायुक्त ने जो CDO को ये निर्देशित जारी किया है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी जाए और जो सरकार की मंशा है, सरकार जिस उद्देश्य से लेकर इन योजना को चलाती है, उनको धरातल पर बखूबी उतारा जाए। क्योंकि सरकार के तमाम दायरे होते हैं कि जिस तरीके से लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन धरातल पर शायद उतना लाभ नज़र नहीं आता है। ये आला अधिकारियों के संज्ञान में भी रहता है, इसलिए आला अधिकारी भी इस चीज़ को लेके चिंतित रहते हैं, क्योंकि धरातल पर बहुत सारी चीज़ें वो क्रियान्वित समय पर नहीं हो पाती हैं। तो ये बेहद आवश्यक होता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग में भी ये बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो शायद समय पर नहीं मिल पाता है। मथुरा में पुरुष एवं महिला नसबंदी के मामले में प्रगति ठीक नहीं पाई है, ऐसे में मंडलायुक्त ने भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। न्यूज़ कॉर्पोरेशन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।